आज हम ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो सर्दी को, खांसी को और ठंड को तो कोसों दूर रखेगी। फ्रेंड्स, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी एक तो कम इंग्रेडिएंट्स और गुड़ से बनाएंगे। गुड़ के तो फायदे सभी को पता ही होता है कि विंटर में गुड़ के फायदे कितने ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, चलो ज़्यादा बात ना करते हुए जल्दी से हमारी रेसिपी बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हमने एक कप गुड़ ले लिया है। अब तो हम पैन में डालेंगे एक चम्मच घी। उसी में हम डाल लेंगे एक कप गुड़। यहाँ पे हमारी गैस की फ्लेम लो टू मीडियम फ्लेम है। गुड़ को हम लगातार चलाते हुए पका लेंगे। हमारे यहाँ ये रेसिपी को सोन हलवा बुलाते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड्स, हमारी चैनल में और भी गुड़ से बनी हुई स्वादिष्ट और हेल्दी रेसिपी है जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप चाहे तो चेकआउट कर लेना। यहाँ पे हमने गुड़ को छोटे पीसेस में कट किया है तो ये जल्दी से मेल्ट भी होने लगेगा और हमारा काम भी थोड़ा आसान हो जाएगा। लगातार ऐसे चलाते हुए ही हम इसको गुड़ को पका लेंगे। और खास हम गैस की आंच को लो टू मीडियम फ्लेम ही रखेंगे। जब तक कि ये पकेगा तब तक हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही उसको पका लेंगे। जब ये हमारे गुड़ ऐसे एकदम फूलने लगे उसी टाइम पे हम डाल देंगे एक चम्मच सोल्ट पाउडर, जिसको बोलते हैं ड्राई जिंजर पाउडर भी बोल सकते हैं। वो भी सर्दियों में बहुत ही गुणकारी होता है। मिला लेंगे अच्छे से। ये सोल्ट पाउडर डालने के बाद हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस एक मिनट के लिए अभी हम पका लेंगे लो फ्लेम पे ही। ये पूरी प्रोसेस को हम लो फ्लेम पे ही पकाएंगे, बिल्कुल भी हाई नहीं करेंगे। अब जाएगा हमारा सीक्रेट, जो एक चुटकी पर ही डालेंगे हम। तो इसका रूप रंग सब बदल देगा। सब मिला लेंगे। अभी की प्रोसेस हमें थोड़ी जल्दी करनी होगी। देखा कलर कैसे चेंज हो गया, एक चुटकी भर ही डाला तो भी वो था मीठा सोडा। अब हम गैस की आंच को बंद कर देंगे। यहाँ पे हमने एक प्लेट में घी लगा कर रख दिया था पहले ही। अब हम ये बैटर को पूरा डाल देंगे प्लेट के अंदर। फ्रेंड्स, ये प्लेट हमें पहले ही रेडी करके रखनी है क्योंकि ये बन जाएगा तभी हमें ये ग्रीस करने का समय नहीं मिलेगा, तो वो पहले ही रेडी करके रख देने हैं। अब हम ये प्लेट को 5 मिनट ऐसे ही रहने देंगे, छुएंगे नहीं इसको। अब हम 5 मिनट के बाद इसके अंदर मार्क लगा लेंगे बिल्कुल इसी प्रकार से। यहाँ पे हमने कट मार्क लगा लिया है। अब हम इसको कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर ही उसकी आगे की प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे हमारा पूरी सर्दी में काम आए ऐसा हेल्दी गुड़ का बना हुआ सोन हलवा रेडी है। फ्रेंड्स, इसको हम एयरटाइट कंटेनर में महीने भर तक रख सकते हैं और पूरी सर्दी इसको खा पी सकते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।